हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल्कन्स। यूरोप कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट में आप देखेंगे तो उधर है बाल्कन पेनिनसुला। इस बाल्कन पेनिनसुला में जो जो कंट्रीज है उनको बोलते हैं बाल्कन कंट्रीज, जो हम आगे देखेंगे। इस एरिया की हिस्ट्री देखें तो पहले यह बेजेंटिन एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। बेजेंटिन एम्पायर के टाइम ही बहुत सारे नोमैडिक ट्राइब्स जैसे बल्गर्स और स्लैव्स सेंट्रल एशिया से यूरोप माइग्रेट होने लगे और आज के बाल्कन एरिया में सेटल होने लगे वो। फिर 15 सेंचुरी में बाइजेंटाइन एम्पायर का एंड हो चुका था टोटली, और फिर ऑटोमन एम्पायर का इन सब एरिया पर कंट्रोल आ चुका था। ऑटोमन एम्पायर के थ्रू इस्लाम बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ इन सब एरियाज पर। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1923 में ऑटोमन एम्पायर का एंड हो चुका था और बहुत सारे नए कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गए थे। ऐसा एक कंट्री था यूगोस्लेविया जो फॉर्म हुआ 1918 में। आज के बहुत सारे बाल्कन कंट्रीज को मिलाकर एक देश हुआ करता था यूगोस्लेविया, लेकिन यह देश 1992 तक ही रहा क्योंकि बाल्कन पेनिनसुला में बहुत सारे एथनिसिटी प्रॉब्लम्स होने लगे सर्बियंस क्रोएशियन बोस्नियंस के बीच। जैसे वॉर्स हो गए, यूगोस्लाव वॉर्स बोस्नियन वॉर्स, इन सब वॉर्स के बाद यूगोस्लेविया का स्प्लिटअप हो गया था। फिर हम देखेंगे आज का बाल्कन पेनिनसुला जो जो कंट्रीज है, जैसे पहले अल्बानिया आता है जिसका कैपिटल है तिराना, फिर है बोस्निया एंड हर्जेगोविना जिसका कैपिटल है सारायेवो, फिर है बल्गेरिया जिसका कैपिटल है सोफिया, फिर मॉन्टेनेग्रो जिसका कैपिटल है पॉडगोरिका, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया जिसका कैपिटल है स्कोपजे, फिर कोसोवो जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं लेकिन सर्बिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसका कैपिटल है प्रिस्टीना। ये सब वो देश थे जिसका कंप्लीट एरिया बाल्कन पेनिनसुला के अंदर आता है। अब हम देखेंगे वो देश जिसका 100% नहीं लेकिन 3/4 ऑफ द एरिया बाल्कन पेनिनसुला के अंदर आता है। वो है पहले क्रोएशिया जिसका कैपिटल है जैग्रिब, फिर सर्बिया जिसका कैपिटल है बेलग्रेड, फिर स्लोवेनिया जिसका कैपिटल है जुबलाजाना, फिर आता है ग्रीस जिसका कैपिटल है एथेंस, फिर रोमानिया जिसका कैपिटल है बुकारेस्ट, और फाइनली टर्की। टर्की का थोड़ा सा हिस्सा आता है बाल्कन पेनिनसुला पर, टर्की का कैपिटल अंकारा। अब इन कंट्रीज के रिलीजन की बात करें तो ये सब कंट्रीज तीन मेजर रिलीजन में डिवाइड कर सकते हैं। पहले कैथोलिक कंट्रीज, कैथोलिक्स में क्रोएशिया स्लोवेनिया, फिर है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, उसमें आते हैं बल्गेरिया ग्रीस मॉन्टेनेग्रो नॉर्थ मैसेडोनिया सर्बिया और रोमेनिया। फिर आता है इस्लाम, जहां पे इस्लाम मेजर रिलीजन है, वो है बोस्निया एंड हर्जेगोविना अल्बानिया कोसोवो और टर्की। फिर लैंग्वेजेस की बात करें तो सबसे मेजर है स्लाविक लैंग्वेजेस, जो स्लैव्स नोमैडिक ट्राइब्स आए थे सेंट्रल एशिया से, उन्हीं से डेवलप हुआ था ये स्लाविक लैंग्वेजेस। बल्गेरिया का बल्गेरियन और नॉर्थ मैसेडोनिया का मैसेडोनियन है ईस्टर्न स्लाविक डायलेक्ट। फिर वेस्टर्न स्लाविक में आता है सर्बियन बोस्निया क्रोएशियन मॉन्टेनेग्रिन एंड स्लोवेनियन। फिर नेक्स्ट मेजर ग्रुप है रोमांस लैंग्वेज, जो कि रोमानिया में बोला जाता है। फिर हेलेनिक लैंग्वेज ग्रीक, जो कि ग्रीस में बोला जाता है, और नेक्स्ट फैमिली है अल्बानियन, सो वो नेचुरली अल्बानिया में जो बोला जाता है। अभी हमने बेसिक ज्योग्राफिकली देख ली, अभी पॉलिटिकली देखे तो बाल्कन कंट्रीज के रीजनल बहुत सारे यूनियंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है साउथ ईस्ट यूरोपियन कोऑपरेशन प्रोसेस, जो कि SEECP। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो कोर मेंबर्स हैं, कोर कंट्रीज हैं, वो वही है जो कि हम इस वीडियो में पहले सब कंट्रीज डिस्कस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग टर्की। इस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव बल्गेरिया ने किया था 1996 में, क्योंकि ये जो एरिया है बाल्कन पेनिनसुला ये बहुत ही ट्रबल्ड एरिया है। यहाँ पे पास में बहुत सारे वॉर्स हो चुके हैं एथनिसिटी को लेकर लैंग्वेजेस को लेकर, सो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया गया था ताकि इस एरिया में सब मिलजुल कर रहे, गुड नेबरली रिलेशनशिप स्टेबिलिटी और एक एटमोसफियर ऑफ ट्रस्ट हो। सो बाल्कन पेनिनसुला जो कि यूरोप में है, तो हम बात करते हैं अभी यूरोपियन यूनियन की। सो यूरोपियन यूनियन के कोर मेंबर्स बाल्कन पेनिनसुला में जो है वो है बल्गेरिया क्रोएशिया ग्रीस रोमानिया और स्लोवेनिया। फिर कुछ देश ऐसे हैं जो नेगोशिएशन प्रोसेस में हैं, जैसे कि सर्बिया मॉन्टेनेग्रो और टर्की,
और फिर आते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स, वो ऐसे हैं जिन्होंने नेगोशिएशन प्रोसेस सब खत्म कर लिया, अभी बहुत जल्द वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हो जाएंगे, वो है नॉर्थ मैसिडोनिया और अल्बानिया। फिर बात करते हैं लार्जेस्ट सिटीज की। ये बाल्कन एरिया में टॉप 5 लार्जेस्ट सिटीज वो है टर्की का इस्तांबुल, फिर रोमानिया का कैपिटल बुकारेस्ट, बल्गेरिया का कैपिटल सोफिया, सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड और क्रोएशिया का कैपिटल ज़ाग्रेब। इवन ग्रीस का कैपिटल एथेंस भी हम बोल सकते हैं, जो कि टॉप 5 में आ सकता है विद कॉम्पिटिशन विद क्रोएशिया का ज़ाग्रेब। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।